दोस्तों, अमेरिकी बाजार से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जिसका इम्पैक्ट कल आपको बाजार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाजार में अभी वॉलेटिलिटी बन रही है, यानी कि बाजार अगर उठता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी लास्ट वीक से यही चीज़ आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी समय मैंने कहा है कि आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटिलिटी के मूड में होता है तब आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन आप अगर आप डिलीवरी बेस पर काम करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का माइंडसेट करके किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर तो आपके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। सबसे पहले अगर आज हम बात करें तो आज भी आपको FII की तरफ से बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आज भी FII ने इंडियन मार्केट के अंदर लगभग 1685 करोड़ का माल सेल किया है, जिसके कारण आज भी आपको मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि इसके प्रेशर को कम करने के लिए DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आपको खरीदारी भी अच्छी देखने को मिली है। DII की तरफ से लगभग 2081 करोड़ रुपए की खरीदारी भी आपको देखने को मिली है, जिसने मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं होने दी। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से यहाँ पर कि FII अपना माल बेच रहे हैं, लेकिन उसी के साथ DII अब उसी माल को यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत लपक के खरीदारी भी कर रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है मार्केट के क्रैश होने का वो है निफ्टी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की तो इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के अंदर लगभग 38% तक मार्केट कैप्चर करता है। और अगर निफ्टी बैंक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो उसका असर आपको पूरे इंडियन मार्केट पर यानी कि पूरे इक्विटी बाजार के ऊपर देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर आज भी आपको लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी निफ्टी 50 सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो जब तक निफ्टी बैंक के अंदर आपको एक पॉजिटिव वे में ट्रेड होता हुआ निफ्टी बैंक देखने को नहीं मिलेगा, और ये कब होगा, जब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है अगर वो यहाँ पर आ जाती है तो उसका बेनिफिट यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा, जिसके कारण निफ्टी बैंक के अंदर आपको वापिस तेजी देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पर मॉनेटोरियम आने वाला है उसकी अभी तक कोई यहाँ पर डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन बाज़ार यानी कि इक्विटी बाज़ार के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। कल का यहाँ पर जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 33,000 का। जी हाँ दोस्तों, हम सारी अपडेट, सारे रेजिस्टेंस और सारे सपोर्ट आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी कंटिन्यूसली शेयर करते रहते हैं। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के बाद अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो जो आज हमने आपको निफ्टी 50 का भी सपोर्ट दिया था 14,700 रुपये का, उसे आज निफ्टी 50 ने क्रॉस कर दिया है यानी कि तोड़ दिया है। आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग भी नेगेटिव आई है, लगभग 1% की गिरावट आज आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली है। और मार्केट में इतनी भयंकर जो गिरावट चल रही है उसके पीछे का रीज़न सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर जो कल का सपोर्ट है वो रहेगा 14,630 रुपये का। अगर निफ्टी 50 14,630 रुपए के सपोर्ट को भी तोड़ता है तो आपको कल के दिन भी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इंडस्ट्री इंडियन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री वापस अपने 2000 के प्राइस पर आ गया है, और अगर कल से यहाँ पर गिरावट होती है यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कल अगर 1970 से 1980 के बीच में ट्रेड करता है तो इसका प्रेशर आपको मार्केट के ऊपर दूसरे शेयर्स के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री कितना बड़ी इंडस्ट्री है और कितना मार्केट कैप्चर करती है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडेक्स की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी बाजार में तो आपको इतनी बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम नैस्डेक कंपोजाइट की बात करें तो नैस्डेक कंपोजाइट के अंदर भी आज आपको काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है, लगभग 1.73% के करीबन आपको नैस्डेक के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। तो इसका प्रेशर तो आपको इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिकी बाजार की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अमेरिकी के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको इंफ्रास के
शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अमेरिकी बाज़ार में जो जोर दिया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में अमेरिकी जीडीपी पर भी पड़ेगा और इसी के कारण आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत बूस्ट आपको कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की तो उसका भी उसमें आपको थोड़ी बहुत आज करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली आपको डाउ जोन्स के अंदर। हालांकि इतनी गिरावट आपको करेक्शन के कारण भी देखने को मिल सकती है, तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, पर आपको बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर भी नज़र रखनी है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी बॉन्ड यील्ड्स भी अगर कल आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर भी आपको नज़र रखना है। कल का मार्केट रेंज वर्ड होने वाला है, यानी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कल के मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकती है, तो आपको कुछ लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। सारे रेजिस्टेंस और सारे सपोर्ट हम आपको मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होने के पहले ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स भी करते रहेंगे, तो आप सारे सपोर्ट और सारे लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। सारी अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे।